जाइए भाई, सब लोग आज अभी जाइए, अभी नहीं है, ऊपर जाइए ना, सब मिल जाएगा। नंबर ऐसा कि आएगा ही नहीं, हमें लगता है कि ये अभी कच्चा स्वरूप है, अभी पक्का स्वरूप उसका आना बाकी है। 13 तारीख को सोनिया जी के यहाँ एक भोज है, जो इस प्रकार के एक समान विचार के लोग हैं, जिसमें बाबूलाल जी को भी आमंत्रित किया है, हेमंत जी को भी आमंत्रित किया है। और जो यह राज्यसभा का चुनाव है, हमने बिना शर्त कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देने का निर्णय लिया। तो क्या गठबंधन में जो आने वाला विधानसभा, मेरी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो वोट है वो गोलबंद रहे, उसमें बिखराव नहीं हो, मेरी पार्टी उसका समर्थक पूरी तरह से समर्थन करती है और प्रयास करेगी इन वोटों में बिखराव नहीं हो, उसके लिए हमें जो भी करना होगा पार्टी करेगी। इन 3-4 वर्षों में चाहे दिल्ली की सत्ता हो चाहे झारखंड की सत्ता हो, जिस प्रकार जनता के विरोध में एक निर्णय लिए है, चाहे छात्र नौजवान हो चाहे किसान हो, सब लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जनता को गोलबंद करेंगे और 2019 के मिशन को टारगेट बना के हम काम करेंगे। ये 2 दिनों में हमने निर्णय लिया है। आप तोड़वा रहे हैं, कहीं लेनिन की मूर्ति को तोड़वा रहे हैं, जब सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर इस प्रकार से हो, कहीं दंगे करवा रहे हैं वोट बैंक के लिए, ऐसे में से किससे आस रखें? इसमें आस एक ही है, वो जनता है। जनता को गोलबंद करके इसको नष्ट नाबूद करेंगे, जड़मूल से उखाड़ेंगे, वही इसकी अंतिम दवाई है और उसी की तैयारी।